एक तरफ अगर केएल राहुल रहेगा तो दूसरी तरफ रहेगा संजू सैमसन, एक तरफ अगर क्रिस गेल रहेगा तो दूसरी तरफ रहेगा एविन लुइस, और अगर एक तरफ लियाम लिविंगस्टोन रहता है तो दूसरी तरफ कौन रहेगा, निकोलस पुरन। तो ये मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और ये मैच आईपीएल का सेकेंड फेज का 32 नंबर मैच होने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार एक मैच होने वाला है, क्योंकि ये दो टीम ही पॉइंट्स टेबल पर टॉप फोर में नहीं है, लेकिन उनके पास चांसेस रहेगा कि वो टॉप फोर में जाए। इसी की वजह से अगर परफॉर्म अच्छा करता है तो वो लोग टॉप फोर में जाने का पोटेंशियल और मात्रा दो ही रखते हैं। तो इसी की वजह से दोनों टीम ही चाहेगा कि इस मैच को जीत कर अपना सेकेंड फेज का आईपीएल का जो जर्नी है वो शुरू करे। तो इसी की वजह से आज के इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले होंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले होंगे कि ये मैच जो खेला जाने वाला है 32 नंबर मैच, ये मैच कौन से डेट में, कौन से टाइम में, कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है। उसके बाद मैं पिच का थोड़ा सा रिपोर्टिंग करूंगा कि पिच कैसा हो सकता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या हो सकता है इस मैच के लिए, और उसके बाद दोनों टीमों का कंपटीशन करूंगा एंड कंपटीशन करके बताऊंगा कि कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल एक वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि इस दो टीमों में ही रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जो खिलाड़ी लोग पहले के फेज में खेला था उससे लगभग कुछ खिलाड़ी, मतलब विदेशी खिलाड़ी नहीं है इस सेकेंड फेज में, तो इसी की वजह से उनका कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस होने वाला है। और ध्यान से सुनिएगा वीडियो में मैं जो जो बताऊंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है इस मैच के लिए। और अगर आप किसी भी टीम के फैंस हैं तो जरूर से कमेंट करके अभी बताइए कि कौन से टीम के आप फैंस हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो और ऐसा क्वालिटीदार वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, मतलब मिल सकता है लेकिन मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जरूर से जुड़े रहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो मैच खेला जाने वाला है, ये मैच कौन से डेट में, कौन से टाइम में, कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है, तो आप लोग देखिए ये मैच 32 नंबर मैच होने वाला है। ये मैच 21 सितंबर को, जो कि ट्यूजडे है, मतलब मंगलवार को खेला जाने वाला है, जो कि शाम 7:30 बजे से दिखाया जाने वाला है स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर। और ये मैच कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है, ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो अगर दुबई का पिच के बारे में बताया ना, तो पहला मैच होने वाला है मुंबई और सीएसकेएल चेन्नई के बीच में, वो मैच भी दुबई में होने वाला है। तो दुबई का पिच पहले मैच में जब खेल हो जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि कैसा पिच हो सकता है। लेकिन अगर बेसिकली बताया जाए तो रन ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे पहला पहले का 1-2-3 मैच ना सपाट विकेट में ही होगा, क्योंकि ज्यादातर मैच खेलने के बाद ही स्पिन करने का कंडीशन आएगा। लेकिन पहले के मैचेस में स्पिन ज्यादा नहीं होगा, पेस सहायक विकेट होगा और बॉल बैट में ज्यादा अच्छी तरह से आएगा। तो ये थोड़ा सा पिच रिपोर्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लेइंग 11 दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, और आप कौन से टीम के फैन है वो जरूर से कॉमेंट कीजिए और बताइए। और पहली दफा ये दोनों का जब मैच हुआ था ना, तब कौन सा टीम जीता था वो भी जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए, और कितने रनों से कौन सा टीम जीता वो भी जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंजाब किंग्स के टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकता है, तो देखिए मैं कैसा प्लेइंग 11 बनाया पंजाब किंग्स की ओर से। देखिए सबसे पहले ओपन करने वाला है नो डाउट केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो ही बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। हालांकि पहले के सीजन में केएल राहुल उतना खास नहीं कर पाया था, लेकिन करेगा, मतलब इस फेज में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि रन ज्यादा बनाया था इंग्लैंड में तो कॉन्फिडेंस है। तो उसके बाद तीसरे नंबर के पोजीशन पे देखिए क्रिस गेल को खिलाता है ये टीम, लेकिन अगर क्रिस गेल का हाल ही का फॉर्म अच्छा नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि एडन मार्करम को आप चांस देकर देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस रहेगा क्रिस गेल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद चौथे पायदान पे खेलने वाला है दीपक हुडा, क्योंकि दीपक हुडा का फॉर्म इंडिया में अच्छा खासा था, तो मुझे लगता है उसको ही, मतलब उनको ही चांस देना चाहिए। उसके बाद पांच नंबर पे नो डाउट निकोलस पुरन, देखिए पहले के अगर फेज होता ना तो मैं बताता कि निकोलस पुरन को नहीं खिलाइए, लेकिन इस फेज में निकोलस पुरन का फॉर्म जैसा है उनको फर्स्ट चॉइस ही रखना पड़ेगा, और वो तो तबाही करेगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उसके बाद छह नंबर पे शाहरुख खान को खिलाना चाहिए, शाहरुख खान एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और लास्ट में आकर मैच को फिनिश करने का मादा भी रखता है, तो इसकी वजह से और बिग हिट भी है उनके जो खेलने का तरीका है वहां पर, मतलब एक हद तक कैरन पोलार्ड की तरह लगता है उनको, मतलब अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकता है नीचे आकर। उसके बाद सात नंबर पे मैं रखा हूँ हरप्रीत बार को, हरप्रीत बार को क्यों रखा हूँ, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी पिछले जब इंडिया में खेल हुआ था ना तब ही इनका परफॉर्मेंस निखर कर आया था, तो इसी वजह मुझे लगता है कि फिर से चांस देना चाहिए। और उसके बाद मैं अर्शदीप सिंह को रखूंगा, मोहम्मद शमी को रखूंगा और
नेथन एलिस को रखूंगा और लास्टली आदिल रशीद को खिलाना चाहिए क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही किफायती गेंदबाजी करेगा, उसके साथ आपको विकेट भी लेकर देगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आदिल रशीद एक अच्छा चॉइस हो सकता है, मुझे तो लगता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली पंजाब किंग्स के टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिए और बताइए। उसके बाद अगर हम बात करें आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स की टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा टीम ही है उनके पास। हालांकि जब फर्स्ट फेस हुआ था उनमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी था, जैसे कि जॉस बटलर थे, बेन स्टोक्स थे, ये सब खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास चांसेस रहेगा अच्छा परफॉर्म करें। तो उनके प्लेइंग 11 क्या होगा तो एकदम से देखिए आप लोग। देखिए इस टीम में ग्लेन फिलिप्स है, उसके साथ एविन लुइस भी है, लेकिन मुझे लगता है कि एविन लुइस को के साथ यशस्वी जायसवाल को देकर आप ओपन कराइए, क्योंकि एविन लुइस का फॉर्म पूरे सीपीएल में बहुत ही बढ़िया था और ग्लेन फिलिप्स भी अच्छा खासा खेला था, लेकिन एक दो मैच में ज्यादा खास नहीं खेला था, हर मैच में एक दो मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए एविन लुइस को, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करता है ओपन करते हुए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल तीसरे नंबर पे, संजू सैमसन नो डाउट विकेटकीपर बैट्समैन और कप्तान भी है। उसके बाद चार नंबर पे इस टीम में मैं रखना चाहूंगा, बेसिकली अगर बताया जाए तो मैं रखना चाहूंगा शिवम दुबे को, क्योंकि आप सभी लोग बताएंगे कि लियाम लिविंगस्टोन को चार नंबर पे रखे, लेकिन मैं बताऊंगा कि शिवम दुबे को रखिए, क्योंकि वो लास्ट में आकर इतना खास नहीं कर पाएगा, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन को मैं पांच नंबर पे रखूंगा, क्योंकि वो लास्ट में आकर बहुत ही बढ़िया तरह से मैच को फिनिश अगर करना हो तो वो कर सकते, अगर रन पहले के समय में बनाना हो तो वो भी कर सकते। तो लियाम लिविंगस्टोन पांच नंबर पे। छह नंबर पे मैं रखूंगा रियान पराग को, सात नंबर पे राहुल त्रिवेदी, आठ नंबर पे क्रिस मॉरिस, नौ नंबर पे आता है मुस्तफिजुर रहमान, दस नंबर पे श्रेयस गोपाल और लास्टली ग्यारह नंबर पे चेतन शकारिया। तो ये मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान रॉयल्स के टीम का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिए बताइए। तो ये रहा दोनों टीमों का मोस्ट प्रोबेबली प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11। आप लोगों को अगर कोई भी कमेंट करना हो कि कैसा हो सकता है आप लोगों के मुताबिक, तो जरूर से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर कमेंट में अच्छा खासा आप लोग प्लेइंग 11 बनाते हैं तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों टीमों का कॉम्पिटिशन क्या हो सकता है इस मैच के लिए, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के ओपनिंग से शुरू करते। तो ओपनिंग में पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाला है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, और वैसा ही राजस्थान रॉयल्स की ओर से ओपनिंग करने वाला है एविन लुइस के साथ यशस्वी जायसवाल। तो इस विभाग में मुझे लगता है कि दोनों टीमों का एक टाई होगा, क्योंकि मयंक अग्रवाल को हम पिछले आईपीएल के बाद और ज्यादा खेलते हुए नहीं देखे, और यशस्वी जायसवाल को भी पिछले आईपीएल के बाद और ज्यादा खेलते हुए नहीं देखे हैं। T20 मैचेस ज्यादा नहीं खेलकर आ रहा है, प्रैक्टिस में उनका कैसा रहता है वो एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन अगर बताया जाए केएल राहुल और एविन लुइस, तो इन दोनों के बीच में जब होता है कॉम्पिटिशन, तब मुझे लगता है कि केएल राहुल इंग्लैंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एविन लुइस भी सीपीएल में बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ओपनिंग में टाई होता है। उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो मिडिल ऑर्डर में पंजाब किंग्स की ओर से बल्लेबाजी करने वाला है क्रिस गेल, निकोलस पुरन और उसके साथ दीपक हुडा। और अगर हम राजस्थान रॉयल्स को देखें, तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाला है संजू सैमसन, लियाम लिविंगस्टोन और शिवम दुबे। तो इस विभाग में मुझे लगता है कि दोनों टीमों का ही टाई होता है, क्योंकि आप देखिए क्रिस गेल के साथ संजू सैमसन बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, ये दोनों टीमों के लिए तीन नंबर के पोजीशन पे ही भी अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकता है। उसके बाद अगर हम दीपक हुडा के साथ शिवम दुबे का कंपटीशन करें, तो ये दो भी ठीक ठाक खेल सकता है, मतलब उतना खास भी नहीं उतना खराब भी नहीं। और अगर लियाम लिविंगस्टोन के साथ निकोलस पुरन की हम कंपटीशन करें, तो लियाम लिविंगस्टोन द 100 में बहुत ही आला परफॉर्म किया था, और उसके साथ निकोलस पुरन भी आप सभी लोगों को पता है कि सीपीएल में तबाही मचा रहा है। तो इसकी वजह से दोनों टीमों का भी इस विभाग में टाई होता है। उसके बाद अगर हम लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर आप बताएं कि फिनिशर्स के रोल अदा करने वाला खिलाड़ी की अगर बात करें, तो वहां पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाला है हरप्रीत पार और शाहरुख खान, और वैसा ही इस विभाग में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलने वाला है रियान पराग, राहुल त्रिवेदिया और क्रिस मॉरिस। तो इस विभाग में डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स का पल्ला भारी रहने वाला है, क्योंकि
ट्राइड एंड टेस्टेड है जो राजस्थान रॉयल्स का खिलाड़ी है, जैसा कि राहुल त्रिवेदी पहले मैच को निकाल सका है और रियान पराग, ये दो खिलाड़ी मतलब ऐसा सिचुएशन में खेला हुआ है कि वो लोग मैच को परखेगा और कैसे निकालना है वो भी सोचेगा, और क्रिस मॉडिस तो है ही लास्ट में आकर ज्यादा बड़ा बड़ा छक्का मारने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में राजस्थान रॉयल्स का पल्ला भारी है, लेकिन पंजाब किंग्स के ओर से शाहरुख खान और हरप्रीत बार उतना टेस्टेड खिलाड़ी नहीं है, तो इसकी वजह से उनको खेलना पड़ेगा अच्छी तरह से, लेकिन जीत होता है इस विभाग में राजस्थान रॉयल्स का। उसके बाद अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन बॉलिंग करने वाला है राजस्थान रॉयल्स के ओर से राहुल त्रिवेदिया और श्रेयस गोपाल, और लियाम लिविंगस्टोन भी एक दो ओवर बॉलिंग कर दे सकता है स्पिन बॉलिंग। और उसके साथ अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के बारे में तो पंजाब किंग्स के ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है हरप्रीत बार, उसके साथ आदिल रशीद, तो ये दो खिलाड़ी मेन होगा, और क्रिस गेल भी एक दो ओवर बॉल कर दे सकता है। तो ये होगा हो गया दोनों टीमों का स्पिन बॉलिंग अटैक। तो इस विभाग में जीत हासिल कौन सा टीम करता है तो ये बोलना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्वालिटी स्पिनर रहना सबसे ज्यादा वैरी करता है, और एक क्वालिटी स्पिनर किसके पास है, पंजाब किंग्स के पास, क्योंकि आदिल रशीद जो है ना वो बहुत ही अच्छा और क्वालिटी स्पिनर है। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में पंजाब किंग्स का पल्ला भारी रहने वाला है, तो पंजाब किंग्स इस विभाग में मतलब स्पिनिंग विभाग में जीत हासिल करता है। और उसके बाद लास्ट अगर पेस बॉलिंग अटैक की बात करें तो पंजाब किंग्स के ओर से पेस बॉलिंग करने वाला है मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस, तो ये तीन खिलाड़ी पंजाब किंग्स के ओर से बॉलिंग करने वाला है। और अगर वैसे हम राजस्थान रॉयल्स की ओर देखें तो राजस्थान रॉयल्स की ओर से बॉलिंग करने फर्स्ट बॉलिंग करने वाला है मुस्ताफिजुर रहमान, क्रिस मॉरिस, चेतन शकारिया और शिवम दुबे भी एक दो ओवर बॉलिंग कर दे सकता है। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में दोनों टीमों का ही टाई होता है, क्योंकि दोनों टीम में ही अच्छा खासा बॉलिंग है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स फैक्टर वाला बॉलिंग मतलब बॉलिंग कॉम्बिनेशन किसी भी टीम के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पास ही चांसेस रहेगा कि मैच को जीता जाए। और अगर टोटल कॉम्पिटिशन को हम देखें, और मैं बताया एक फैक्टर वाला खिलाड़ी, आप अगर मतलब ज्यादा क्रोधित हो जाए कि किस लिए मैं बताया कि फास्ट बॉलिंग में एक फैक्टर वाला खिलाड़ी नहीं है, तो देखिए एक फैक्टर खिलाड़ी आप किसको बताएंगे, एक फैक्टर खिलाड़ी है कगिसो रवाडा, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, ये सब एक फैक्टर वाला खिलाड़ी, अगर इनका कप्तान बोले कि जा भाई तू एक भाई एक आधा विकेट निकाल कर दे, तो ये खिलाड़ी के पास बहुत दम है कि वो मिडिल में आकर एक आधा विकेट आपको निकाल कर दे, तो ये होता है एक फैक्टर वाला खिलाड़ी। ऐसा खिलाड़ी इस टीम में मतलब दोनों टीमों के पास ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कॉम्पिटिशन को देखते हुए जाए तो फर्स्ट ओपनिंग में टाई हुआ है दोनों टीमों के पास, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी टाई हुआ है, लोअर मिडिल ऑर्डर में राजस्थान रॉयल्स का जीत हुआ है, स्पिनिंग विभाग में पंजाब किंग्स ने जीत हासिल किया है, और फर्स्ट बॉलिंग विभाग में दोनों टीमों का ही टाई हुआ है। मतलब इनमें से पता चल रहा है कि दोनों टीमों के पास 50-50 चांसेस रहने वाला है और कांटे का मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो अगर बताया जाए कि कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है, तो देखिए मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पास समान चांस रहेगा, क्योंकि आप अगर गूगल खोल कर देखें ना तो भी आप लोग देखेंगे कि 50-50 ही चांसेस रहेगा दोनों टीमों के पास जीतने का हारने का। लेकिन अगर एक परसेंटेज ज्यादा दिया जाए, तो अगर पॉइंट्स टेबल को हम देखें और करंट फॉर्म को देखें, तो मुझे लगता है कि 1% ज्यादा राजस्थान रॉयल्स के हित में जा सकता है, कि राजस्थान रॉयल्स 51% से और पंजाब किंग्स 49% से आगे पीछे रह सकते हैं। लेकिन ये जो मुकाबला होने वाला है ना, ये सबसे कांटेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के ऑल ओवर कॉम्पेरिजन में आप तो लोग देख ही सके होंगे कि 50-50% रहेगा। तो थोड़ा सा चांसेस अगर राजस्थान रॉयल्स की ओर झुक जाए तो कोई भी गुंजाइश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस टीम के पास केएल राहुल, क्रिस गेल, निकोलस पुरन जैसा बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है, तो इस टीम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, मतलब पंजाब किंग्स को भी। तो मुझे लग रहा है कि इस विभाग में देखिए मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब मेरे हित में नहीं है, आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए, बताइए कि कौन सा टीम का इस मैच को जीतने का मादा रखते हैं, वो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट कीजिए बताइए, और मैं आप लोगों के सामने पूरा डिस्कशन कर दिया कि क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसा कॉम्पिटिशन हो सकता है। अगर थोड़ा सा चांसेस रहता है तो 8-8 के ऊपर जाएगा वो परसेंटेज, मुझे तो लगता है। आप लोगों के बारे में क्या है जरूर से कमेंट कीजिए बताइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।